External Affairs Minister Sushma Swaraj died at the AIIMS in New Delhi on Tuesday night following cardiac arrest. Hospital sources said she was 67. The veteran BJP leader was brought to AIIMS in a critical condition after suffering a heart attack but soon passed away, the sources said. "We gave her CPR as well. She passed away at 10 p.m., said the source. Union Ministers Rajnath Singh, Nitin Gadkari, Prakash Javedkar and Harshvardhan and BJP Working President JP Nadda arrived at the hospital as they got the news. This is how party leaders reacted to her demise. Her body was taken to her residence at 6, Jantar Mantar from the AIIMS. Her mortal remains would be kept at the Bharatiya Janata Party headquarters. 30 वर्षों का संबंध था, छोटे भाई के रूप में सिखाया पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था, 3 तलाक पर थी सुषमा, लंबी बात। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूँ, उनकी ट्वीट देखता हूँ और फिर खबर आती है नहीं रहे, तुम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। हम सबके प्रिय नेता आदरणीय सुषमा जी, हम सबके बीच नहीं रही थी। ये दुखद घड़ी न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि तमाम देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। वो हम सबको प्रेरणा देती रही और किस तरीके से राष्ट्र के हित में राजनीति में हम अपना योगदान कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने हमेशा स्पष्ट रूप से आगे रखने का प्रयास किया। आज उनका जो अंतिम ट्वीट है वह भी हम सबको बताता है कि किस तरीके से भावनात्मक रूप से वो देश की सेवा में जुटे हैं। आज जब भी उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान भवन दी बिल्डिंग में लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए रखा गया है, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। कल सुबह 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर भवन दी बिल्डिंग में रहेगा और वहां उनके अंतिम दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। 12 बजे के पास उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वहां ले जाया जाएगा और 12 बजे के बाद 3 बजे तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और सब के लिए वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके पश्चात 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गोदी रोड के क्रेमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यह दुखद घटना सारे देश में सभी लोगों को शोक का कुल कर रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को ताकत मिले कि हम चल सके और देश की सेवा कर सके। ऑनेस्ट रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।